हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आप लोग अपने कीमती वक्त निकल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए। इसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आप लोगों तक भेजा जाएगा। देखो, अदानी ग्रुप में तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो लोगों से छुपे हुए होते हैं। वो लोगों के लिए जो है उनको ढूंढना पड़ता है, पता नहीं चल पाता उनको सही तरीके से, क्योंकि जो जो बड़ी बड़े कंपनियां हैं वो तो सामने आ जाती है, लेकिन जो छोटे कंपनियां वो सामने नहीं आ पाती है। और वो तभी सामने आती है जब वो बड़ी बन जाती है, तब तो बड़ा बनने से पहले अगर आप फोकस कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं है। और कंपनी बहुत छोटी भी है, 131 रुपीज़ में दिख रहा है आज के डेट पर, 10% दौड़ता हुआ स्टॉक नज़र आया है और पिछले 5 दिनों से तो 15% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 1 महीने से देखते हैं तो 34% तक का रिटर्न निकाल के दिया है और उससे पहले ये स्टॉक केवल 97 या ऐसे कुछ मिलता था, उससे भी नीचे देखने को मिलता था ये स्टॉक 94-93 रुपीज़ में, मतलब ऑलमोस्ट 40% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। लंबे समय की बात करते हैं तो लंबे समय में इस स्टॉक्स ने भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। थोड़ा वोलेटाइल रहता है, देखो थोड़ा वोलेटाइल रहता है, अप एंड डाउन, लेकिन फाइनली अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे है। कंपनी का नाम है देव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये अदानी ग्रुप के लिए कंपनी काम करती है। देख लीजिए, बताया जा रहा है कोलोबरेशन विद अदानी इंस्टीट्यूट, देख लीजिए कोलोबरेशन विद अदानी इंस्टीट्यूट कंपनी बताया जा रहा है। कंपनी हैज़ टीम्ड अप विद अदानी इंस्टीट्यूट डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, तो उसके साथ कंपनी जो है काम कर रही है और इनके पास काफ़ी अच्छे खासे तगड़े क्लाइंट भी आपको बताया जा रहा है। ग्लोबल फुटप्रिंट है विद 500 कस्टमर बेस आपको बताया जा रहा है 20 कंट्रीज़ में, तो कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं भाई। और यहाँ पर देखो तो गवर्नमेंट भी है, गुजरात देखोगे तो ये हर जगह से, अगर आप देखो लॉजिस्टिक से, मतलब बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनके पास। ये तो आपको कुछ डेमो वहाँ पर बताया जा रहा है, बहुत सारे क्लाइंट हैं तो उनका नाम अगर आप देखोगे तो लिस्ट आएगा वहाँ पर देखने के लिए। स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली, इसके पीछे का रीज़न इसका क्वार्टर रिजल्ट था। रिजल्ट मार्च से मार्च तक देखते हैं तो 31 करोड़ का सेल्स था, 44 करोड़ का सेल्स आया है। अब उसके साथ साथ देखोगे तो जहाँ 3% का मार्जिन था 10% का मार्जिन आया है। तो कंपनी में अगर आप देखो तो जहाँ ये केवल 1.16 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कर रही थी, अभी कंपनी यहाँ पर देख लो तो 3.5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो इसी वजह से स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है। इन्वेस्टर्स के पास बात करते हैं तो जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 67% हिस्सेदारी है, बीच में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं जो 1-2% खरीदने की कोशिश करें, बाकी पब्लिक के पास। कंपनी किसके किसके लिए काम करती है, क्लाउड के लिए, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए कंपनी काम करती है, मोबिलिटी के लिए काम करती है, आईटी सर्विसेज के लिए, डिजिटल सर्विसेज के लिए, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के लिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी कंपनी काफ़ी अच्छा जो है पार्टनरशिप करके काम कर रही है। कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन में बोल रही है कि कंपनी आपको रेगुलर डिविडेंड देती है, 5-5 रुपये का डिविडेंड देती है। बोनस एक बार कंपनी ने देखा 2021 में, राइट इशू नहीं हुआ है। स्प्लिट की बात करते हैं तो एक बार स्प्लिट भी आपको मिल चुका है, तो ये कंपनी आपको बोनस भी देती है, स्टॉक स्प्लिट भी देती है और डिविडेंड भी देती है, तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। इतना ही मुझे लगता है कि बहुत सही है। कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट वगैरह अगर आप चेक करोगे तो कंपनी का टोटल रिजर्व 22 करोड़ का है और बोरिंग नाम की जो चीज़ है वो केवल 51 लाख रुपीज़ का है। 51 लाख रुपीज़ का रिजर्व ये बोरिंग है और देख लो 22.92, मतलब 23 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, तो कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है। कंपनी में कुछ तो मतलब अगर नेगेटिव पॉइंट होगा तो कंपनी में बताया जा रहा है कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पूर प्रॉफिट ग्रोथ बताया जा रहा, तो पिछले 3 सालों में ठीक है, पिछले 3 सालों में कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं की है, लेकिन अब तो जाके अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है, तो ये कंपनी का एक लिमिटेशन है। बाकी स्ट्रेंथ में आपको बताया जा रहा कि कंपनी के पास कैश कन्वर्जन रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, लिवरेज भी काफ़ी अच्छा है, PEG रेशियो भी बहुत सही है, तो एक चीज़ ख़राब है लेकिन बाकी सारी चीज़ें ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में IT स्टॉक्स बहुत सस्ते हैं, अब ये सारे स्टॉक दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे स्टॉक हैं सभी दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत छोटा स्टॉक है तो इस वजह से ये भी दौड़ रहा, बस फ़र्क इतना ही है। छोटे छोटे स्टॉक्स मतलब IT सेक्टर में जितने सस्ते वाले स्टॉक हैं वो दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि कोई अच्छा सा स्टॉक फोकस कर सकते हैं। ये अदानी ग्रुप के लिए टोटली काम करती कंपनी, तो अदानी का पार्ट बोल सकते हो, टोटली कंप्लीट नहीं बोल सकते कि अदानी का ही है, तो बहुत छोटा है ये स्टॉक, ध्यान दीजिएगा खरीदने बेचने से पहले, ठीक है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।